अभिनव अर्चना और गगन मेघना दोनों की नई नई शादी हुई थी। अभिनव बड़ा भाई तो गगन छोटा भाई था। एक रोज उनके दोस्त उन दोनों कपल्स को अपने घर पर इनवाइट करते हैं। वो सभी तैयार होकर विवेक के घर पहुंचते हैं। आइए आइए, आप सबका मेरे घर में स्वागत है। अरे विवेक, रजनी भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो आप सबके लिए डिनर की तैयारी कर रही है, रसोई में होगी। तभी हाथ में कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स की ट्रे पकड़े रजनी बाहर आती है। ये लीजिए, पहले कुछ स्नैक्स लीजिए, फिर साथ में बैठकर बातें करेंगे। ऐसे ही उन्हें एक घंटा बीत जाता है। अच्छा, आप सब बातें कीजिए, मैं डिनर लगा देती हूँ। भाभी रुकिए, हम भी आपकी मदद के लिए आते हैं। हाँ भाभी, चलिए हम आपकी हेल्प कर देते हैं। अच्छा चलिए। रजनी ने सबके लिए खाने में मखनी दाल, शाही पनीर, फ्राई गोभी और दही भल्ले बनाए हुए होते हैं। उसके हाथ के बने हुए दही भल्ले सबको बहुत पसंद आते हैं, खासकर अर्चना और मेघना को। वाओ, क्या कमाल के दही भल्ले बने हैं भाभी, क्या आप हमें इसकी रेसिपी शेयर करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सच में बड़े जबरदस्त बने हैं। क्या थोड़े और मिलेंगे? हाँ हाँ, लो ना, मुझे भी और देना। इस तरह रजनी उन दोनों को दही भल्ले खाने को देती है, लेकिन उन दोनों की स्पीड ऐसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद वो दोनों एक एक कर सारे दही भल्ले चट कर जाती हैं। ये देख उन दोनों के पति हैरान रह जाते हैं। फिर कुछ देर बातें करके वो सभी घर लौट आते हैं और दोनों देवरानी जेठानी अभी भी इसी बारे में बात कर रही थी। यार मेघना, कमाल के दही भल्ले थे ना? सच में दीदी, बड़े टेस्टी थे, है ना गगन? अब हम लोगों को मिले हो तो बताए भी, सारे तो तुम दोनों ही चट कर गई, और नहीं तो क्या, ऐसे खा रही थी मानो पहली बार खाए। कोई बात नहीं, हम आपको कल ही दही भल्ले बनाकर खिलाएंगे। हाँ, इसी बहाने हम भी खा लेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, चलो अब सो जाए, बहुत थक गए। फिर सभी अपने कमरों में सोने चले जाते हैं और अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी नाश्ते में सबके लिए दही भल्ले बनाती हैं। वाह, कल रेसिपी पूछी और आज तुम दोनों ने बना भी दिए, वाह कमाल है। सच में बहू, दही भल्ले बहुत अच्छे बने हैं। शुक्रिया माँ जी। उन सबको दही भल्ले खिलाने के बाद वो दोनों खुद खाने बैठती हैं, तो एक के बाद एक खाती ही जाती हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उन दोनों बहुओं का दही भल्ले के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उन दोनों के पति अब उनके दही भल्लों की आदत से ऊब चुके थे। ऐसे ही एक रोज, दही भल्ले जहाँ के भी खाओ अलग अलग टेस्ट ही आता है, इसका मतलब दही भल्लों को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। अरे क्या अकेले अकेले फुसफुसाया जा रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे ये क्या बहू, कल ही तो दही भल्ले बनाए थे। ओफो माँ जी, वो तो लोबिया के दही भल्ले थे और ये उड़द की दाल के हैं। मेरी ये दोनों बहुएं ना दही भल्ला खिला खिला कर एक दिन मेरी जान ही ले लेंगी। अरे शादी से पहले दही भल्ले का ठेला लगाती थी क्या? बेटा मेरे लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर दो। ठीक कह रही हो माँ, हमसे भी रोज रोज नाश्ते में ये दही भल्ले नहीं खाए जाते, और नहीं तो क्या, कभी लोबिया के, कभी उड़द के दाल के, कभी मूंग के दाल के, अब तो ना ही हम ये भल्ले खाएंगे और ना ही अपनी माँ को खाने देंगे। अपने पतियों की ये बात सुनकर दोनों बहुएं जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं। हे भगवान, हमारे पतियों को तो कुछ समझ ही नहीं आता, इनके लिए जितना भी कर लो कम है। बिल्कुल ठीक कह रही हो मेघना, अगर हम अपनी पसंद का कुछ बना लेती हैं तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा अब रोना बंद करो, हम खा रहे हैं यार ये दही भल्ले। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। एक रोज उन्हें किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी का इन्विटेशन आता है। अभिनव बेटा, गगन बेटा, शाम को तुम लोग जल्दी आ जाना, हमें विमला बुआ के बेटे की शादी में जाना है, और बहुओं तुम दोनों भी तैयार रहना। हाँ माँ जी, हम तैयार रहेंगे। शाम को वो सब पार्टी में जाते हैं और वहाँ दोनों देवरानी जेठानी सबसे पहले चाट के काउंटर पर जाती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ दही भल्ले नहीं मिलते। ये कैसी पार्टी है, यहाँ तो दही भल्ले भी नहीं है, एकदम बेकार पार्टी है। वो दोनों पेट भरकर खाना तो खा लेती हैं, लेकिन दही भल्ले नहीं मिले इसलिए मुंह लटकाए घर आ जाती हैं। लेकिन अगले दिन वो फिर से दही भल्ले बना लेती हैं और ना चाहकर भी सबको वो खाने पड़ते हैं। लेकिन दो दिन बाद अचानक से उनकी सास के पैरों में जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। आह मेरे घुटने, आह कितना दर्द हो रहा है। अरे माँ क्या हुआ? बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अच्छे से जानती हो ना कि माँ को घुटनों में दर्द रहता है, फिर भी तुम उन्हें रोज दही के भल्ले बनाकर खिलाती हो और इतने महीनों से लगातार उनको दही खिला खिला कर उनको इस हालत में पहुँचा दिया। हाँ अब तो खुश होगी ना तुम दोनों। लेकिन अभिनव जी, दही तो सेहत के लिए अच्छा होता है ना, मैंने खुद पढ़ा है। अरे अच्छा ये तो दही की पढ़ ली, लेकिन वो नुकसानदायक कितना होता है ये भी तो पता कर लेती, जोड़ों के लिए ये कितना हानिकारक होता है ये नहीं पता है। हाँ तो ठीक है ना, अब से हम माँ जी को दही नहीं देंगे, लेकिन भल्ले तो खाने को दे सकते हैं ना, और तुम दोनों तो दही भल्ले खा ही सकते हो।
अब उन दोनों को समझ आ गया था कि वो दोनों दही भल्लों के लिए भूखी हो चुकी हैं, और अब उनकी ये कहानी वहीं से खत्म करनी होगी जहां से शुरू हुई थी। गगन और अभिनव फोन करके विवेक और रजनी को सारी बात बताते हैं। विवेक और रजनी ने हम चानू को एक बार फिर घर पर बुलाया डिनर के लिए। अरे वाह, फिर तो दही भल्ले खाने को मिलेंगे। वो उनके घर जाते हैं जहां रजनी उनके लिए दही भल्ले बनाकर खिलाती है, लेकिन वो उन दोनों को दही भल्ले की कटोरी में जानबूझकर मरा हुआ कॉकरोच डाल देती है, जिससे उन दोनों को उल्टी आ जाती है और वो दोनों बाथरूम में उल्टी करने चली जाती है। उस दिन के बाद तो उनका पूरी तरह से दही भल्ले से ध्यान हट जाता है, और उस दिन के बाद से वो दोनों दही भल्ले खाना छोड़ देती हैं, और अब वो दोनों कभी दही भल्ले खाने का नाम नहीं लेती। शुभी के रिश्ते की बात चल रही थी, लड़के वालों का फोन आया। शुभी के पापा योगेश प्रसाद ने फोन उठाया। जी नमस्ते भाई साहब। जी जी, 5 बजे रेस्टोरेंट पहुंचने का टाइम है, हम भी टाइम पर पहुंच जाएंगे। क्या हुआ जी, समधी साहब क्या कह रहे थे? यही कि हम टाइम पर पहुंच जाएं। तुम शुभी को कह दो जल्दी तैयार हो जाएगी, हमें उनके आने से पहले ही रेस्टोरेंट पहुंचना है। शुभी और उसके पापा मम्मी और उसका छोटा भाई रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। उधर योगेश प्रसाद भी अपनी पत्नी शर्मिला, बेटे रजत और कुछ रिश्तेदारों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। सुनो जी, भूख इतने जोरों की लग रही है, घर पर जल्दी जल्दी में 4 गोभी के पराठे, 2 कटोरी दही और सिर्फ 1 कटोरी छोले ही खाए थे। थोड़ी देर से आते तो 2 पराठे मेथी के भी खा ही लेती। चुप भी करो शर्मिला, है थोड़ा धीरे बोलो, जो मन हो मंगवा लेना, अभी रेस्टोरेंट के अंदर तो चलो। विन्नी अपनी मम्मी के साथ अंदर पहुंचो, मैं राजेश के साथ आ रहा हूं। शर्मिला का स्वभाव भुक्कड़ था, उसे कहीं भी जाना हो भूख पहले लगाती थी और वो बेहिसाब खाने लगती थी। उसे अपने पेट पर कंट्रोल नहीं था, कहीं शादी ब्याह में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, वो सबसे पहले खाना ढूंढती थी, और खाने की चीजों को सामने देखकर उसका खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था। रेस्टोरेंट के अंदर सब लोग बैठ जाते हैं। साधना शर्मिला से खाने के लिए पूछती है, बहन जी आप सबको क्या क्या पसंद है? वो बता देते तो हम ऑर्डर कर देते हैं सबके लिए, जो जो जिसको चाहिए वो पसंद का आ जाएगा। वैसे सांभर, डोसा, नूडल्स, चिली पोटैटो, मोमोज और मंचूरियन फ्राइड राइस हमने अभी ऑर्डर कर दिए हैं। डिनर से पहले ये स्नैक्स में ठीक है ना बहन जी? अरे ये तो छोटी मोटी चीजें हैं बच्चों के मतलब की, ये तो मिनटों में हजम हो जाएंगी। आप एक काम कीजिए, 8 प्लेट छोले भटूरे, 6 प्लेट कचौड़ी आलू और 20 समोसे ठीक रहेंगे, ये सब मंगवा लीजिए। सुनो जी इधर आना जरा, बंदे तो ये सिर्फ थोड़े ही आए हैं, 4 ये खुद घर के लोग हैं और 1 इनके ननद और नंदोई और उनके 2 बच्चे, पर ये इतना सारा खाना ऑर्डर क्यों कर रही हैं? शर्मिला जी, शुभी की होने वाली सास है, कुछ बोल नहीं सकती, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। पंकज बेटा जरा मेरे साथ आओ। और फिर भुक्खड़ शर्मिला ने बिना कोई शर्म किए सब खाना मिनटों में चट कर दिया। फिर वैसे मीठे में अगर रबड़ी जलेबी और मिल जाए तो। जी जी बहन जी, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। पंकज बेटा काउंटर पर बोल दो कि यहाँ के लिए जो गुलाब जामुन ऑर्डर किए हैं उनके साथ रबड़ी जलेबी भी भिजवा दें। वैसे तो मैं इतना खाती नहीं हूँ, पर आज मेरे बेटे की शादी पक्की हो रही है तो इसी खुशी में थोड़ा बहुत मैंने सोचा खा लिया जाए, आप सब जोर दे रहे थे तो मुझे खाना पड़ा। अच्छा योगेश प्रसाद जी, अब हम चलते हैं, हैं? और फिर कुछ दिनों बाद धूमधाम से शुभी और राजेश की शादी हो जाती है। शुभी शादी के बाद फेरा डालने जाती है, परिवार के सब लोग शुभी के साथ जाते हैं। शुभी तेरे सास ससुर को जो भी पसंद है बता दे, मैं वही मंगवा भी लूंगी और काफी कुछ घर पर भी बना लिया है। अरे मम्मी मेरे ससुराल वाले सब कुछ खा लेते हैं, आप चिंता मत करो। सुनो जी, भूख के मारे आंते निकल आई हैं, नाश्ते में सिर्फ गोभी और पनीर की पकौड़े खाए थे ताकि थोड़ा खाली पेट रखूं तो यहाँ अच्छे से खा सकूं। ये चिप्स और ड्राई फ्रूट से भला पेट भरता है। विन्नी सुन जरा, देख कर आ, शुभी को रसोई में गए 1/2 घंटा हो गया है। मम्मी थोड़ा वेट करो, आ जाएगा कुछ ना कुछ खाने के लिए, भूख पर थोड़ा कंट्रोल कर लो। लो आ गई भाभी, आप सबके लिए ये दही भल्ले मम्मी ने भिजवाए हैं। बस दही भल्ले ही बनाए हैं क्या या कुछ और भी? जी बहन जी, ये आपके लिए मैंने राज कचौड़ी भी बनाई है, शुभी बता रही थी आपको राज कचौड़ी बहुत पसंद है। वो तो मैं वैसे ज्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। कभी कभी राजेश ऑफिस से आते हुए बनवा लाता है तो 1-2 चम्मच जबरदस्ती दे देता है तो खा लेती हूँ। वरना मुझे खाने पीने का इतना शौक नहीं है। शर्मिला को इस तरह से कहते हुए देख विन्नी और राजेश उसकी शक्ल देखकर हैरान रह जाते हैं। मम्मी अच्छा झूठ बोल रही हो, सबसे पहले चटकारे लेकर तुम ही खाती हो। शुभी
वो जरा हरी चटनी और पकड़ाना, और ये इमली वाली सौंठ तो बहुत ही स्वादिष्ट है जी। वो मम्मी घर पर ही बनाती है ये गुड़ और इमली की चटनी। साधना एक काम करो, शर्मिला बहन जी को थोड़ी कचौड़ी और चटनी साथ में बांध कर दे दो। अरे योगेश प्रसाद जी, साथ में क्या करना है, खा तो लिया इतना कुछ सबने है, और अब सबका पेट भी भर चुका है। अब भाई साहब इतने प्यार से बोल रहे हैं तो थोड़ा पैक करवा लेते हैं। साधना बहन जी ने इतने प्यार से बनाया है तो उनका भी तो मान रखना बनता है। शर्मिला के स्वभाव के बारे में सब रिश्तेदार जानते थे, पर कोई भी शर्मिला के मुंह पर कुछ नहीं बोलता था। एक दिन शर्मिला की सहेली पुष्पा की बेटी की शादी थी। मेरी बचपन की सहेली है पुष्पा, आज देखो वक्त कैसे बीत गया, अपनी लड़की की शादी करने जा रही है। हमारे राजेश की शादी में भी वो आई थी, तो हमें भी जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हम पूरे परिवार के साथ शादी में जाते हैं, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है शर्मिला, जैसा तुम ठीक समझो। शुभी और राजेश को भी कह दो एक बार साथ चलने को। सब लोग शर्मिला की सहेली पुष्पा की लड़की की शादी में पहुंचते हैं। बधाई हो पुष्पा, बेटी की शादी की बहुत बहुत खुशी हुई। शर्मिला तुम सपरिवार आई हो, मुझे भी बहुत खुशी है। सब लोग डिनर करके जाना, तुम परिवार के साथ एंजॉय करो, तब तक मैं मेहमानों को देख लेती हूँ, ठीक है। विन्नी मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। वो सामने स्नैक्स के स्टॉल है, चल चलकर कुछ खा लेते हैं। मम्मी मैं अभी नहीं जा रही, अभी तो आए हैं, एकदम से खाना शुरू कर दे अच्छा नहीं लगता। माँ जी चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। क्या खाएंगे आप? स्टॉल पर भीड़ है, आप यही रुको मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। शुभी शर्मिला के लिए डोसा स्टॉल से डोसा बनवा कर शर्मिला को दे देती है। शर्मिला शुभी से कहती है, शुभी वो सामने वाले स्टॉल से आलू चाट भी ले लेते हैं। माँ जी आप ये प्लेट पकड़िए मैं लेकर आती हूँ। सरला मैंने भी पता नहीं कैसी भुक्कड़ को शादी में बुला लिया, ये शर्मिला तो शुरू से ही भुक्कड़ है। जितने का शगुन का लिफाफा नहीं देगी उससे ज्यादा का तो ये अकेले ही खा लेगी। तुझे तो पता था कि ये शर्मिला अपनी भुक्कड़ आदत की वजह से जानी जाती है, फिर तूने क्यों बुलाया इसे शादी में? छी छी ये पुष्पा आंटी माँ जी के लिए कितना गलत बोल रही है, और ये माँ जी के पास जाकर क्या बोल रही है। अरे पुष्पा आओ ना, एक मेवाला डोसे का तू भी खा ले, शादी की भागदौड़ में तूने कुछ खाया नहीं होगा। शर्मिला नहीं अभी मुझे बहुत काम है, वैसे थोड़ा कंट्रोल करके खाना, ये तुम्हारा घर नहीं है ये 5-स्टार होटल है, यहाँ पर हर प्लेट की गिनती होती है। 1600 रुपए की एक प्लेट है, ये तुम्हारी चौथी प्लेट है, तुम थोड़ा तो सोचा करो, किसी के यहाँ शादी में आकर इस तरह से व्यवहार करते हैं। इतने का तो तुमने मुझे शगुन नहीं डाला जितना तुम खा चुकी हो अब तक। मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो इसीलिए हक से कह रही हूँ। अब थोड़ा ध्यान से खाना, इसीलिए एक प्लेट में ले लेना जो लेना है, बार बार प्लेटें झूठी मत करना, पता चले अब प्लेटें कम पड़ जाएं और लड़के वालों को तुम्हारी वजह से भूखा जाना पड़े। चलो तुम खा लो मैं चलती हूँ, और भी मेहमान आ रहे हैं। शर्मिला की आंखों में पहली बार आंसू छलक आए थे, उसे किसी ने मानो दिल पर चोट दे मारी हो। जो शर्मिला खाने को देखकर टूट पड़ती थी आज उसके हलक से निवाला नहीं निकला जा रहा था। ये देखकर शुभी का मन खराब हो जाता है और वो गुस्से में आ जाती है और पुष्पा के पास जाती है। आंटी जी एक सेकंड, क्या आप मेरे साथ थोड़ा साइड में चलेंगी, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। हाँ जी बोलो क्या काम है। आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ जी का अपमान करने की? अगर आपकी बेटी की शादी का लिहाज ना होता तो शायद आप नहीं जानती कि मैं क्या कर देती। और हाँ, इस 5-स्टार होटल में खाना खाने का जितना भी बिल बना है आपके बैंक अकाउंट में अगले 1 घंटे तक मैंने नहीं पहुँचा दिया तो मेरा नाम भी शुभी नहीं। चलिए माँ जी अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, जहाँ मेरी माँ समान सासू माँ का अपमान हो वहाँ मैं एक पल भी खड़ी ना रहूँ। सब लोग घर आ जाते हैं और घर आकर शादी से जल्दी लौटने की वजह जब सबको पता चलती है तो सब शुभी पर बहुत गर्व करते हैं। शुभी शर्मिला के गले लग जाती है, तभी शर्मिला कहती है, कोई सुनेगा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शुभी जरा अपनी मम्मी को फोन लगाकर बोल हम कल खाने पर आ रहे हैं, वही राज कचौड़ी और गुड़ इमली की चटनी का स्वाद चखने। और शर्मिला की ये बात सुनकर सब खुशी से हंस देते हैं।